शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी से थर्मल और टाइटल देख के आप सभी को पता चल ही क्या होगा कि मैं आप सभी से कौन सी वीडियो लेके आई हूँ। तो दोस्तों, पुष्पा लाइव बेल्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं बना रही हूँ पार्थिव शिवलिंग, यानी घर में घर मिट्टी का बना हुआ पार्थिव शिवलिंग, जो अभी सावन का महीना चल रहा है और अभी जल अभिषेक का काफ़ी उसका लाभ भी होता है। तो अभी शुक्रवार को होने वाली, 2 तारीख को शुक्रवार को होने वाली महाशिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। ऑनलाइन आस्था चैनल पर आने वाली पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार होगी, जो करोड़ों लोग इस पूजा में जुड़े हैं। तो मैं भी इस व्रत को कर रही हूँ कल, तो 2 तारीख का है। तो मैं पार्थिव शिवलिंग घर पे कैसे बना रही हूँ, किस तरीके से बना रही हूँ, पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, वो आप सभी के सामने मैं छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और हर हर महादेव जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक थाली लिया है, उस पर मैंने बेलपत्ती ली हूँ, क्योंकि शिवलिंग का निर्माण बेलपत्ती के नीचे ही करनी है। तो यहाँ पे मैंने गमले की मिट्टी ली है, उसको मैंने शुद्ध कर दिया है गंगा जल घी मधु डाल के। उसके बाद घर का थोड़ा सा पानी छिड़क देने से उसे हमारे घर का जो होता है ना, वो हो जाता है कि शुद्ध हो जाता है। तो आप कहीं से भी मिट्टी लेके आ रहे हो ना, तो उसको घर के पानी को जरूर छिड़कना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने बेलपत्ती रख ली है और बेलपत्ती के नीचे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। तो घर पे कैसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है वो मैं आप सभी से दिखा रही हूँ। जलाधारी बनाना जरूरी है, क्योंकि जलाधारी के ही नीचे ही शिवलिंग के नीचे ही सारे शिव जी का पूरा परिवार विराजमान होता है। तो यहाँ पे मैं शिवलिंग बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं जलाधारी का जो होता है ना नीचे क्यारी वाली, वो मैं कर रही हूँ। तो आगे शिवलिंग का आगे निर्माण कर ले, उसके बाद आप जलाधारी बनाएं। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से बता रही हूँ। और ये पूजा 2 तारीख को होने वाली है, 7:00 बजे। तो मैंने क्या क्या पूजा सामग्री लाई हूँ, जो आप सभी को मैं आराम से दिखा सकती हूँ, ताकि आप सभी को वो आराम से मिल जाए। तो पूरा दिन भर का समय हो है, आप कभी भी सामान ला के पूजा कर सकते हो, क्योंकि ये सावन का महीना 72 साल में आने वाली ये सावन का महीना आया है। तो ये मौका जाने ना दे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ सबके घर पे आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ देके जाएंगे। तो बस मैं भी ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत कर रही हूँ और इनका अभिषेक भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं शिवलिंग बना रही हूँ, तो यहाँ पे छोटी साइज में बनानी है आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, और इसको विसर्जन पूजा करने के बाद ही करनी है। तो यहाँ पे मेरे देख सकते हो शिवलिंग मैं बना रही हूँ, किस प्रकार बना रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। इसमें मैं एक छोटू सा सर्प भी दे रही हूँ, तो काफ़ी इजी तरीके से ये शिवलिंग बन जाती है। तो बस यहाँ पे ये देख सकते हो, ज़्यादा चिकनी मेरी मिट्टी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं मिलती है। तो जो भी मेरे गमले में थी ना, वही मिट्टी से मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। और एक छोटू सा मैंने यहाँ पे नाग देवता भी बना दिए हैं, जो बाबा के सामने रहते हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे कर दिया है और इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो मिट्टी थोड़ी सी कम चिकनी है, तो थोड़ी सी ना ये थोड़ी सी फट फट जा रही थी, तो उसको मैं पानी की हेल्प से चिकना कर रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए, नाग सर्प देवता यानी नाग देवता को भी मैंने विराजमान कर दिया है और इसकी ही होने वाली है पूजा। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जब पूजा होता है ना, उनका लाभ अलग ही मिलता है सावन के महीने में, शिवरात्रि के दिन, मानसिक शिवरात्रि के दिन। तो बस यहाँ पे ये देखिए, मेरी पार्थिव शिवलिंग बन के रेडी हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ जलाधारी के जो साइड में होती है ना, जो नीचे के लेफ्ट रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और सदानंद कार्तिक विराजमान रहते हैं, और बीच में छोटी पुत्री उसकी अशोक सुंदरी रहती है, तो वही मैं थोड़ा सा मोटा भाव थोड़ा सा कर दे रही हूँ, ताकि ये आसानी से पता चले। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने अशोक सुंदरी का भी स्थान बना दिया है। तो ये रही मेरी शिवलिंग बन के रेडी हो गई है। तो आप जिस दिन पूजा करो ना, उस दिन आप सुबह में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले, चाहे कभी समय मिले तो जब आधे घंटे के पहले ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले। उसके बाद 7 बजे से पूजा होने वाली है, 8 बजे तक होगी पार्थिव शिवलिंग का पूजा, तब आप पूजा में सम्मिलित हो जाए हो सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे त्रिकोण थोड़ा सा बना दिया है। तो ये रही हमारी पार्थिव शिवलिंग बन के रेडी हो गई है, और मैं आप सभी को पूजा सामग्री भी आप सभी से शेयर करूँगी कि क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने में, अभिषेक पूजन में। तो बस मैं सारे पंडित प्रदीप मिश्रा के, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के अनुसार ही मैं सारी सामग्रियां आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पूजा सामग्री आ गई हैं।
तो दोस्तों 2 अगस्त को होने वाली अभिषेक शिवरात्रि की महाशिवरात्रि की अभिषेक पूजन 7 बजे से 8 बजे ऑनलाइन चलेंगे आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार। तो मैं भी करने वाली हूँ और काफ़ी लोग भी कर रहे हैं। तो मैंने पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया है घर पे वो मैंने आप सभी से शेयर किया है और पूजा सामग्री भी शेयर कर रही हूँ जो आपको पूजा दुकान में आसानी से मिल जाएगा। तो आप सभी को मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामग्री ली है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और फुल वॉच कीजिए। दोस्तों को वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी को दिखा रही हूँ पूजन सामग्री। ये है 5 गट्टे कमल गट्टे हैं जो पूजा दुकान में आप आसानी से मिल जाएंगे। 5 कमल गट्टे हैं, 3 सुपारियाँ हैं जो गोल वाली सुपारी है, अक्षत है, अक्षत पूरी लेनी है यानी चुन के आपको 108 दाने लेने हैं पूरा अखा। उसके बाद यहाँ पे गेहूं के दाने 21 लेने हैं, काली तिल लेनी है चुटकी भर चढ़ाने के लिए, काला मिर्च है, ये काली मिर्च है तो ये लेनी है 21 दाने काली मिर्च के, समी पत्र लेना है 7, लौंग लेनी है, इलायची लेनी है, एक धतूरा लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे मोली दिल लेना है, 2 जनेऊ लेनी है तो मैंने यहाँ पे 2 जनेऊ मंगवाई हैं, और ये है आरती के लिए कपूर तो आपको कपूर भी लेना है कपूर की। और यहाँ पे अभिषेक पूजन के लिए मैंने दही लिया है, गुलाल लिया है, आप कोई भी गुलाल ले सकती हैं। तो ये गुलाल है मेरी पूजा रूम में रहती ही हैं। उसके बाद ये है मधु जो पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए। यहाँ पे घी लिया है, घी है, ये है लाल चंदन, ये है अष्टगंधा चंदन पीली वाली। तो अभिषेक के लिए मैंने यहाँ पे सारी सामग्री लिए हैं, 2 मिट्टी के दिए लिए हैं, 1 आरती के लिए, 1 पूजा के टाइम प्रज्वलित होंगी। और यहाँ पे मैंने 2 फल लिए हैं, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं। मीठा में मैंने पेड़े लिए हैं तो यहाँ पे मैंने 5 पेड़े लिए हैं मीठा में। उसके बाद 7 श्वेत पुष्प यानी सफ़ेद पुष्प लेनी है आपको, कोई सा भी सफ़ेद पुष्प, और गुलाब फूल लेनी है चाहे लाल फूल लेनी है 7, तो आपको कोई सा भी मिले ले सकती हैं। तो मेरे पास अभी मैंने नहीं मंगवाया है तो वो मैंने नहीं ली है, शाम को आ जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने दूध लिया है, कच्चा दूध भगवान को पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कच्चा दूध मंगवाया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये सबसे 7 बेलपत्ती जो भूलना नहीं है, पूजा के लिए 7 बेलपत्ती होना जरूरी है तो 7 बेलपत्ती ले ले। और शिव जी को चढ़ाने के लिए जो है ना ये नहीं चढ़ता है, ये आप निकाल ले। तो मैंने यहाँ पे आप सभी को पूरी पूजा सामग्री आप सभी से शेयर किया है ताकि पूजा करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने सारे चीज़ों को लिया है और पान पत्ती ली है, तो यहाँ पे मैंने पान पत्ता लिया है। तो यहाँ पे मैंने सारे चीज़ों को आप सभी से शेयर किया है। वीडियो पसंद आए ना तो दोस्तों तो प्लीज़ 1 लाइक कीजिएगा। और शाम 7 बजे से पूजा शुरू होने वाली है ऑनलाइन पूजा आस्था चैनल पर। तो आप आस्था सेलर के माध्यम से आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं और करोड़ों लोग इस पूजा में जुड़े हैं। तो प्लीज़ इस पूजा को सभी लोग करें। तो आज महाशिवरात्रि की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हरे